खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की ओर और दिखाते हैं अमृतलाल की यह रिपोर्ट। नहीं, आपको पता नहीं है, आप देख लीजिए, इस सिस्टम से ये लोग दीवा में काम करते हैं। इनको पता ही नहीं कितने बजे इनको खोलना है, लोगों को देना है राशन, इनका पता नहीं। देखो अभी किसको फ़ोन लगा रहे हैं मालूम नहीं, इनसे पूछते हैं। आइए, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है आपको? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप भागो मत, आपका दिक्कत क्या है? रुकिए रुकिए, आप फोन लगाओ। नहीं नहीं, किसको फोन लगा रहे हैं आप? किसको फोन लगा रहे हैं आप? इधर रुकिए। नहीं नहीं, कौन वाला फोन? एक मिनट। अरे छोड़ बाबा, चल इनको देखो, देख लीजिए इनकी शक्ल, इनको देख लीजिए, इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे दीवा में। ठीक है, राशन कार्ड में घाट को पड़ता है, यहाँ मेरे को दे नहीं देते। क्या आप लेना नहीं देते वीडियो है मेरे पास। राशन कितने दिन हो गया? देखिए कितना दिन हो गया? ये जैसे जैसे लॉकडाउन हो गया तभी से, मतलब दो दिन के बाद उसने बंद कर दिया था। अच्छा, ये बम्बू वगैरह जो लगाया गया है, किस लिए लगाया गया? ये बम्बू लगाया, ये राशन, मतलब जो पब्लिक खड़ी रहती है तो उनको दूर दूर खड़ा रहने के लिए वो बम्बू लगाया था उसने कल, लेकिन अभी उसने जल्दी चालू करना चाहिए था, लेकिन अभी तक चालू किया नहीं है राशन देने का। अच्छा, ये राशन के लिए बम्बू लगाया था उसने। राशन वगैरह कैसा दिया जाता है, गेहूँ कैसा दिया जाता है? पहले तो तुम मतलब यहाँ पे आए थे, यही न्यूज़ वाले आए थे, तो 13-12 रुपया ऐसे चल रहा था, तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने 2 रुपया किलो से दिया, लेकिन वो 2 रुपया किलो से नहीं दे रहा था। अच्छा, तो अभी ये इतने 2 रुपया किलो से पब्लिक को देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के पास है ही नहीं है कुछ। अभी पब्लिक के पास बहुत परेशान हो गई पब्लिक, तो इन लोग गवर्नमेंट वाले ने राशन देना चाहिए ना, तो ये गवर्नमेंट दे रही नहीं राशन। अभी टाइमिंग कितना हो रहा है, कितना टाइमिंग हो रहा है?
दस साढ़े दस हो रहा है, इसके बावजूद भी खाली ये जो बम्बू देखिए आप, सिर्फ दिखावे के लिए लोग ने ये बम्बू को ये करके रखा है यहाँ पे। अभी तक राशन का ये नहीं खोला गया, इसके बाद 10 दिन पहले मैं भी पड़ताल किया था यहाँ पे, जो कि राशन जो 12 रुपया किलो था, अरे 2 रुपया किलो सरकारी रेट था, उसके बावजूद भी ये लोग ने 12 से 15 से 20 जो जैसा जिसको ग्राहक मिले उनको उस तरीके से इन लोग ने राशन दे रहे हैं। और इसके बावजूद अभी मैं पड़ताल करने के लिए आया, जो यहाँ पे थे जो राशन कोटेदार वो भाग खड़े हुए, कहाँ गए मालूम नहीं उनको।